कैसे भी डर लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए मैं ऐसा जगह बैठा हूँ भाई, देख हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिश्रा जी ट्रेवल ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज हम आए हुए हैं राजगीर के एक और नए प्लेस को विजिट करने, जो कि बौद्ध स्तूपा के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं उस पहाड़ी के ऊपर हमें वहां बौद्ध स्तूप पे जाना है। सो गाइस, वहां पर जाने के दो रास्ते, या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर ट्रॉली की सहायता से जा सकते हैं। सो गाइस, हमने सोचा कि हम ट्रॉली के साथ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा एडवेंचर भी हमें होगा और वहां जाने का मजा भी आएगा। सो गाइस, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें, हम आपको ये पूरा सीन दिखाएंगे और बताएंगे कैसे वहां तक पहुंचना है, क्या टिकट प्राइसेस है, क्या है जैसे। सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। गाइस, अभी हम लोग हैं टिकट काउंटर जो है उसके सामने, हम लोग आ चुके हैं। गाइस, यहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको टिकट यहां पे लगेगा 120 रुपए पर पर्सन। सो गाइस, यहां पर एक और सुविधा है, अगर आप इस तरह के सिंगल ट्रॉली से जाना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। गाइस, अगर आप इस तरह के सिंगल ट्रॉली से जाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए पर पर्सन लगेंगे, जिसमें अप और डाउन दोनों है। सो हमने इसी को चूज किया है, हम थोड़ा सा एडवेंचर भी करेंगे इस वीडियो में और आपको घुमाएंगे साथी स्तूप को अच्छे से। अभी हम लोग प्रवेश द्वार यहाँ से हम एंट्री ले चुके हैं और यहाँ से हम चल रहे हैं अपने ट्रॉली को पकड़ने के लिए, और वहाँ से हम लोग उस पहाड़ के ऊपर जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है और यहाँ तक टिकट चेक हुआ है जो भी है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग अपनी ट्रॉली में बैठ चुके हैं, ये काफी सिंगल सीटेड है और यहाँ से काफी एडवेंचर भी हमें लग रहा है, थोड़ा सा डर भी हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं। गाइस, अभी हम लोग जिस तरह रोप में बैठे हैं वो सिंगल सीटेड, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और गाइस, बाकी वहाँ एक और है जो उस तरह से केबिन टाइप बना हुआ है, जिसमें एक साथ चार लोग बैठते हैं और ये काफी थ्रिल पर है भाई। यहाँ से मुझे देखिए, मैं काफी हाइट पर हूँ और थोड़ा डर भी हमें महसूस हो रहा है। कैसे भी है, डर लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए भाई, ये लोग सिंगल बैठे हैं और काफी इंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं, और देखिए मजे जाइए भाई, सच में यार बहुत ही मजेदार है। मीन्स थोड़ा डर तो लग रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बाहर का यहाँ सीन दिखाता हूँ। गाइस देखिए, अभी लगभग हमारी हाइट ये है कुछ, और हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ से कुछ रोपवे खाली आ रहे हैं। सो गाइस देखिए, गाइस वो रोपवे जो केबिन टाइप है, जिसमें एक साथ चार लोग बैठ पाते हैं, और हम जो जा रहे हैं वो बिल्कुल सिंगल है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का है, यहाँ से ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई है, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, मीन्स पहली बार मैं ऐसा जगह बैठा हूँ। भाई देखिए, पूरी इंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं भैया। देखिए भाई, ये तो मजे में है, कोई बात नहीं। यहाँ से गाइस हाइट थोड़ी बढ़ चुकी है हम लोग, देखिए गाइस आप देख पा रहे होंगे, हम काफ़ी हाइट पर हैं यहाँ पर, और भाई मुझे तो पीछे देखने में भी डर लग रहा है, आप देख सकते हैं यार, क्या ही बताऊँ, गजब का थ्रिल है, मीन्स अमेजिंग। ये दिन मुझे याद रहेगा, ये सीन मुझे याद रहेगा गाइस, सही बता रहा हूँ भाई, डर चेहरे पे। हमारी हाइट थोड़ी और बढ़ गई है, हम थोड़े और ऊंचाई पर आ चुके हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, आप पीछे देख पा रहे होंगे हमारी हाइट कुछ इस तरह की है, और क्या ही कहूँ गाइस, मजे ही मजे हैं। और ओ माय गॉड। सो गाइस, वहाँ मेरा भाई भी पीछे मेरे बैठा हुआ है, वहाँ से वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है और मैं उसके ठीक आगे हूँ। गाइस अब हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं, ऊपर आ चुके हैं, लगभग ये 5 मिनट का रास्ता होगा, आई थिंक 5 मिनट लग गए होंगे इसको आने में ऊपर, और ये काफ़ी डरावना रास्ता है, अगर आपको थोड़ा भी डर लगता हो तो गाइस इस पर मत आएं, क्योंकि जब यहाँ से आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा, क्योंकि ये सिंगल सीटेड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मतलब एक चेयर के आकार का बना हुआ है, और
इस पर बैठने के बाद कुछ ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, सो आपको खुद से बच के रहना है। सो गाइस यहाँ भी भैया इंजॉय कर रहे हैं सब लोग। एंड सो गाइस अब हम लोग ये चढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं गाइस। सो यहाँ पर हमारी लैंडिंग हो चुकी है। सो गाइस बिगन से इट्स सेफ लैंडिंग। यस गाइस ये हमारी सेफ लैंडिंग यहाँ होने वाली है। सो गाइस फाइनली हम लोग उतर चुके हैं ट्रॉली से। ये हमारा एडवेंचर वाला सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही मज़ेदार। और हमारा भाई भी देखिए गाइस आ चुका है साथ में। तो गाइस हम लोग दोनों भाई यहाँ आ चुके हैं गाइस। अब चलते हैं ऊपर, आपको घुमाते हैं। गाइस ट्रॉली से सफ़र करने के बाद हमें थोड़ी सी ऊंचाई पैदल भी कवर करनी होगी। सो हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर। रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का सीढ़ीनुमा कुछ रास्ता है ये। और यहाँ हमारी शॉर्ट्स वीडियो की तैयारी हो रही है। सो बाकी हम लोग रास्ते को कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको मिलते हैं ऊपर में। अच्छा अच्छा रास्ता है ये बोला, हाओ बताबो इनका खोजी था ठीक रहता। तो गाइस हमारी पूरी चढ़ाई कवर हो चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं बौद्ध स्तूप को देखने के लिए। गाइस मैं दिखाता हूं, हमारे सामने रहा जो देखने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने पैसे खर्च किए, ऊपर तक आए। सो गाइस ये है ये बौद्ध स्तूप। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सांची स्तूप के ठीक सामने। गाइज आप ये देख पा रहे हैं कितना सुंदर जगह है। गाइज मैं आपको अभी ऊपर की तरफ ले चलता हूँ, वहाँ से मैं आपको इसका पूरा सीन दिखाऊंगा। बाकी गाइज वीडियो का आप भी पूरा इंजॉय करेंगे जैसे हम इस वीडियो को इंजॉय कर रहे हैं। एंड वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना ना भूलें। ये रहा कुछ कैंपस जो कि इस बौद्ध स्तूप का है। गाइस यहाँ पे चारों तरफ भगवान बुद्ध की इस तरह की कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है जो अलग अलग मुद्रा में स्थापित है। तो गाइस मैं आपको हर एक मूर्तियों की अलग अलग वीडियोस दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो की पहुँचे यहाँ भी एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो कि ध्यान मुद्रा में मौजूद है, आप देख सकते हैं इसे भी। ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသူလျှောက်တယ်ခေါ်လိုက်တာကရှင်အာနန္ဒကတော့ထဲနာဗောသူနဲ့ပါရမီပြည့်ပတ်ကြီးကတပည့်ဗောနော်ပရိပလာတိတိတခဲစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မောင်တော်ဖရာမြတ်ခေါ်လိုက်မလားဒါပေမဲ့သူခေါ်လိုက်တာကအဖေဖရာ कुछ बौद्ध स्तूप का ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। बाकी मैंने आपको पूरा ये घुमा दिया है, अब इसके बाद मैं आपको एक और नए लोकेशन की तरफ ले चलता हूँ सर। तो नए लोकेशन में यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की एक मंदिर है जो इसी पहाड़ी पर मौजूद है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चलिए गाइस वहाँ हम लोग चलते हैं। ये रहा वो बौद्ध मंदिर जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था। तो गाइस आप ये बौद्ध मंदिर तो देख ही चुके हैं, अभी हम लोग इस पहाड़ के सबसे टॉप पे पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे यहाँ से देख लीजिए कितना सुंदर व्यू यहाँ से आ रहा है, क्योंकि गाइस हम लोग काफ़ी हाइट पर हैं और ऐसे थोड़ा धुंध होने की वजह से आप क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। बट गाइस सच में अभी हम लोग काफ़ी हाइट पर हैं यहाँ पर और यहाँ से नीचे देखने में काफ़ी रोमांचक लग रहा है। बाकी गाइस वीडियोज़ को सिनेमेटिक शॉट के जरिए आप इन्जॉय कीजिए।
हमने ये स्तूप घूम लिया है और अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने भी इस स्तूप को हमारी तरह बहुत इंजॉय किया होगा। सो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके उसे शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय गाइज़।